हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 और देख रहे हो कलर क्या है। कलर बताता हूँ कौन सा है। ये कलर है आपका ऑरोरा ग्रीन। ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए आपका सेकंड टॉप वेरिएंट है। वो रहा आपका टॉप वेरिएंट सुपरनोवा, उसकी भी वीडियो में चैनल पे आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके प्राइस की बात करें 2,20,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 2,50,000 ऑन रोड जाएगा ग्वालियर में। आपके स्टेट में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं और कलर देख रहे हो क्या ही बढ़िया कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के बारे में आज पूरी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो कुछ इस तरह की आपको बढ़िया सी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलेगी। रॉयल इनफील्ड यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ा सा टॉल वाइजर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दो आपको यहाँ पे हैलोजन में इंडिकेटर है, एक बार मैं जला ही लेता हूँ। ये देखिए, दो आपको हैलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लाइट आपको राउंड लाइट है, कोई भी आपको यहाँ DRLs देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन LED लाइट आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फ्रंट मडगार्ड आपको यहाँ पे देखिए फाइबर में देखने को मिलता है और फ्रंट डिस्क आपको यहाँ पे 300mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है बाइब्रे के कैलिपर्स है। डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और स्पोक्स व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइज है 190/19 के आपको यहाँ पे स्पोक्स व्हील देखने को मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 41mm का है, 130mm इसका ट्रेवल डिस्टेंस है। ये रहे आपके रिफ्लेक्टर्स जो भैया रात में बहुत काम आते हैं। दोस्तों ऊपर आ जाएंगे तो ये रही आपके नंबर प्लेट की पोजिशनिंग, कुछ इस तरह से ऑफर करी जाती है। बाकी साइड में देख लीजिए, यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिलता है, बेसिकली इंजन प्रोटेक्शन ऑफर किया जाता है। और यहाँ रही हॉर्न की प्लेसमेंट, ये ट्यूबुलर आपका यहाँ पे चेसी देखने को मिलती है। दोस्तों साइलेंसर आप देख लीजिए, ये OBD2 सेंसर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। साइलेंसर आपका यहाँ पे क्रोम में देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। ये रहे आपके ब्रेक लीवर्स और ये सारा की जो क्वालिटी है ना, टैक्स की क्वालिटी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। इंजन की बात करें तो 349cc का आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर और ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा और क्रोम में आपको ये पूरा इंजन देखने को मिलता है। क्रोम में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर आप सुपरनोवा में जाएंगे ना तो उसमें आपको ब्लैक कलर का इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों कंप्लीट ब्लैक है, ठीक है। बाकी ये रहा रियर के पैसेंजर का फुट पैग। सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको 6-स्टेप ट्विन ट्यूब इमल्शन सस्पेंशन देखने को मिलता है, मतलब एडजस्टेबल है, ट्विन ट्यूब वाला है। 130mm के आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिलेंगे, बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए जाते हैं। रियर में भी आपको स्पोक्स व्हील है 17 इंचेस के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। टायर आपको यहाँ पे C8 के ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका स्विंग आर्म, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे आपको मीटियोर 350 की बैजिंग देखने को मिलती है और ऊपर सीट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं गाइस। यहाँ पे भी आपको रॉयल फील्ड की बैजिंग ऑफर करी जाती है। क्रोम का ट्रीटमेंट है, दो कलर, बेसिकली तीन कलर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीन कलर आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 15 लीटर की आपको टैंक देखने को मिलती है, E20 फ्यूल सपोर्ट करता है। सीट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट सीट्स आपको ऑफर करी जाती हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे बैक रेस्ट भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी, उसमें भी आप देखो कुशन दिया हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये रही इसकी रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में देखने को मिलेंगी, दो आपको इंडिकेटर्स हैलोजन में है, नंबर प्लेट की पोजिशनिंग है, रिफ्लेक्टर्स हैं और यहाँ से देख लीजिए एक लाइट दी है LED में नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन के लिए। और कुछ इस तरह से आप देखो आपको रियर प्रोफाइल ऑफर करी जाती है। टायर का साइज तो 17 इंच का है, लेकिन डायमेंशन है 140/70, ठीक है। तो काफ़ी चौड़े टायर आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड, फुट रेस्ट देखने को मिलेगा, फुट पैक ऑफर किया जाता है, मीटियोर की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी नीचे आएंगे तो ये रहे आपके क्रोम में साइड स्टैंड, ये रहा आपका सेंटर स्टैंड, 5-स्पीड आपको यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। रॉयल इनफील्ड का आपको ये देखो बैजिंग के साथ फुट पैक देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एक बार बात कर लीजिए इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल ऑफर करी जाती है। सीट हाइट आपको यहाँ पे 765mm की है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, चलो ये देखो 765mm के ऊपर भी बैठने के बाद देखो मेरी हाइट 5'5" है, दोनों पैर मेरे बड़े आराम से नीचे चले जा रहे हैं। सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पूरा हैंडल बार और ये सब देखने को मिलता है। इधर आपको इग्निशन स्विच, किल स्विच, हीरा ये आपका हैजार्ड की लाइट, ये जो आपके ग्रिप्स वगैरह आपको देख रहे हो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है।
क्रोम में आपको यहाँ पे मिरर्स देखने को मिलते हैं, क्लच लीवर हो गया और आपके ब्रेक लीवर्स हो गए, इनकी क्वालिटी काफ़ी आपको ऑसम देखने को मिलती है। और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम और पास स्विच, इंडिकेटर्स, हॉर्न की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आपका ये बजता है। ट्यूबुलर हैंडल आपको देखने को मिलेगा, क्रोम कलर में है, सिंगल है। कंसोल की बात करी जाए तो देख लो काफ़ी बढ़िया सा। पहले तो आप लुक देखो कुछ इस तरह का, जब आप बैठोगे ना कुछ इस तरह का आपको फीलिंग आएगी। आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है और ये देख लीजिए यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर, बीच में छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया, फ्यूल कितना बचा है ये दिखाएगा, और नीचे आपको सारी वार्निंग्स और गियर शिफ्ट ये भी दिखाएगा न्यूट्रल में है तो। बाकी आप यहाँ देख लीजिए आपको रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर देखने को मिलता है, बिल्ट विद गूगल आपको देखने को मिल रहा है। नेविगेशन सिस्टम भी बेसिकली छोटा सा नेविगेशन सिस्टम ऑफर किया जाता है। और ये रहे आपके जो बार्स हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं और काफ़ी स्टर्डी है, बिल्कुल ऐसा आपको लुच लुच वाला फीलिंग नहीं आएगा दोस्तों। और कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है गाइस। और आपके ये जो सस्पेंशन है ना फ्रंट वाले, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। चलिए एक बार ना मैं इसका इग्निशन ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसी फीलिंग आपको यहाँ आती है। ये देखो आवाज़ सुन लो, बिना रेव के एक बार आवाज़ सुन लो। ठीक है, अब एक बार ना मैं रेव करता हूँ, रेव करने के बाद अब आवाज़ सुनना। तो ये आपको साउंड कैसी लगी इसके एग्जॉस्ट की एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी मेटियोर 350 का सेकंड टॉप वेरिएंट, ऑरोरा के नाम से आता है, ऑरोरा ग्रीन कलर है। कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी लुक्स वगैरह तो आप देख ही रहे हो यार, लुक्स के मामले में काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। बाइक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।